Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English unit 2 reading A The Race. In this video lecture we will see question answers and vocabulary. So let's start question answers. Answer the following questions. Question 1. How did Tarun release his pent up emotions? How means kaise? Release means mukt karna. पैंट अप इमोशंस मीन्स दबी हुई भावनाएं. सो तरुण ने अपनी दबी हुई भावनाओं को कैसे रिलीज किया, कैसे मुक्त किया? सो आंसर, वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, थस ही रिलीज्ड हिज पैंट अप इमोशंस. वेन एवर मीन्स जब कभी भी, फेल्ट मीन्स महसूस करता था, सैड मीन्स दुखी, लोनली मीन्स अकेला, एग्जॉस्टेड मीन्स थकाना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, बाय रनिंग मीन्स दौड़ के द्वारा, थस मीन्स इस प्रकार. सो जब कभी भी वो महसूस करता था दुखी, अपने आप को दुखी और अकेला, तब वो रनिंग के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से स्वयं को थका देता था और इस तरह से ही रिलीज्ड हिज पैंट अप इमोशंस, और इस तरह से उसने अपनी दबी हुई भावनाओं को मुक्त किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड तरुण हैपन टू मीट इन हीज स्टेट ऑफ डिप्रेशन? हाउ डिड दैट पर्सन कंसोल हिम? हु मीन्स किससे या किनसे, हैपन मीन्स होना, मीट मीन्स मिलना, स्टेट ऑफ डिप्रेशन मीन्स तनाव की अवस्था, दैट पर्सन मीन्स उस व्यक्ति या वह व्यक्ति, कंसोल मीन्स सांत्वना देना. सो जो तरुण है वो अपने डिप्रेशन की अवस्था में किनसे मिला एंड उस पर्सन ने, उस व्यक्ति ने कैसे सांत्वना प्रदान की? सो आंसर, तरुण मीट अ मैन हु वॉज ऑफ अबाउट 60. सो तरुण एक व्यक्ति से मिला जो कि लगभग कितने वर्ष के थे, 60 वर्ष के थे. ही सेड टू हिम दैट लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो अप्स एंड डाउन मीन्स उतार चढ़ाव, जो लाइफ है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, फुल है. यू कैन बी द बेस्ट रनर इन फ्यूचर, और तुम बेस्ट रनर हो सकते हो, भविष्य में बेस्ट रनर हो सकते हो. ही टोल्ड हिम दैट ही कुड ट्रेन हिम इफ़ ही वुड विन द रेस ऑन 14 नवंबर, थस ही कंसोल्ड हिम. सो उसने बताया, टोल्ड मीन्स बताना, दैट ही कुड ट्रेन हिम इफ़ मीन्स यदि, ही वुड विन द रेस ऑन 14 नवंबर, और उन्होंने बताया कि वो उन्हें ट्रेन कर सकते हैं यदि, इफ़ ही वुड विन द रेस ऑन 14 नवंबर, यदि वो 14 नवंबर का जो रेस है उसको वो जीत जाता है तो वो उन्हें ट्रेनिंग देंगे. और इस तरह से ही कंसोल्ड हिम, और इस तरह से उन्होंने उन्हें सांत्वना दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन डिड राम नारायण गिव? ऑन हियरिंग द सजेशन व्हाट वॉज तरुण्स रिएक्शन? व्हाट मीन्स क्या, सजेशन मीन्स सुझाव या सलाह, गिव मीन्स देना, ऑन हियरिंग मीन्स सुनने पर या सुनने के बाद, रिएक्शन, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया. सो राम नारायण ने क्या सुझाव दिया एंड, और ये जो सुझाव है ऑन हियरिंग द सजेशन, सुझाव को सुनने के बाद तरुण की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हाट वॉज तरुण्स रिएक्शन? सो आंसर, राम नारायण टोल्ड हिम टू कीप हिज बर्निंग पैशन इन हिम एंड नेवर गिव अप एंड मस्ट ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल. टोल मीन्स बताया, कीप मीन्स जारी रखना, बर्निंग मीन्स ज्वलंत, पैशन मीन्स जुनून, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप मीन्स हार मानना या छोड़ना, मस्ट मीन्स अवश्य, ज्वाइन मीन्स ज्वाइन करना. और इस तरह से जो राम नारायण है उन्होंने कहा कि वो अपने अंदर की जो ज्वलंत पैशन है वो उसको जारी रखे एंड नेवर गिव अप, और वो कभी छोड़े नहीं, कभी हार ना माने, एंड मस्ट ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, और वो अवश्य कोई ना कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करे. ऑन हियरिंग द सजेशन तरुण रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट अफोर्ड गोइंग टू ट्रेनिंग स्कूल सो आई डिडंट ज्वाइन इट. और यह जो सलाह है, सुझाव है, उसको सुनने के बाद तरुण ने रिप्लाई किया कि ही कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स खर्च वहन करना, गोइंग टू ट्रेनिंग स्कूल, और उसने कहा कि वो ट्रेनिंग स्कूल जाने के लिए जो पैसे लगेंगे, जो खर्च आएगा, वो खर्च वो वहन नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता. सो आई डिडंट ज्वाइन इट, और इसलिए उसने ज्वाइन नहीं की. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस? हाउ मीन्स कैसे, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, फॉर द रेस मीन्स रेस के लिए या दौड़ के लिए. सो तरुण ने दौड़ के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, कैसे तैयार किया. तरुण गोट अप एट 4 इन द मॉर्निंग एंड ही रैन 10 miles. सो तरुण जो है वो कितने बजे उठता था, एट 4 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 4 बजे उठता था एंड रैन 10 miles और वो 10 मील दौड़ता था. इन द इवनिंग ही मेड हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द 1000 meter डिस्टेंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन, थस ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ. और वो शाम के समय एक कॉम्पिटिशन की भावना से 1000 meter वो दौड़ता था और इस तरह से ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ और इस तरह से उसने स्वयं को तैयार किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड तरुण्स फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस? व्हेन मीन्स कब, फियर मीन्स भय, चेंज मीन्स परिवर्तित होना, परिवर्तन होना, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास. सो जो तरुण का जो भय है वो कॉन्फिडेंस यानी विश्वास में कब परिवर्तित हुआ? सो आंसर, व्हेन तरुण सा हिज मदर इन द स्टैंड हिज फियर इन हिज आइज चेंज्ड इनटू कॉन्फिडेंस. सो जब तरुण ने अपनी माँ को स्टैंड पे खड़े हुए देखा तब उनका जो भय है, उनकी आंखों में जो भय था वो उनके विश्वास में परिवर्तित हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम व्हाट वुड हैव बीन एट लाइफ हिज फेट? इफ मीन्स यदि, स्लिप मीन्स स्लिप होना मीन्स फिसल जाना, अ सेकेंड टाइम मीन्स दूसरी बार, यदि तरुण दूसरी बार नहीं फिसला रहता, नहीं स्लिप हुआ रहता, तब व्हाट वुड हैव बीन एट लाइफ हिज फेट, तब उसकी लाइफ में उसके भाग्य पे क्या होता. सो आंसर, इफ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम ही वुड हैव वॉन द रेस. यदि तरुण सेकेंड बार नहीं फिसला रहता तो वो रेस जीत गया होता, मीन्स वो दौड़ में जीत हासिल कर लिया होता. नेक्स्ट है, वाई वॉज देयर अ लाउडर अपलॉज इवन वैन तरुण क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट? वाई मीन्स क्यों, लाउडर अपलॉज मीन्स वाहवाही, वैन मीन्स जब, क्रॉस मीन्स पार करना, क्रॉस मीन्स पार किया, फिनिशिंग लाइन मीन्स जीत की लाइन, लास्ट मीन्स आखिरी में. सो तरुण के द्वारा जो जीत की लाइन है उसको आखिरी में पार करने के बाद भी वहाँ पे लाउडर अपलॉज था, मीन्स वाहवाही हो रही थी, प्रसन्नता की जा रही थी. क्यों? सो आंसर, देयर वॉज अ लाउडर अपलॉज इवन तरुण क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन लास्ट. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तरुण के द्वारा जो फिनिशिंग लाइन है, जीत की लाइन है, उसको आखिरी में पार किया गया, फिर भी वहाँ पे प्रसन्नता की जा रही थी, तारीफ की जा रही थी. बिकॉज मीन्स क्योंकि, द ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वैलर फॉर नेवर गिविंग अप. ऑडियंस मीन्स श्रोतागण या दर्शक, चीयर्ड मीन्स खुशी जाहिर किए, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा, वैलर मीन्स वीरता, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप मीन्स छोड़ना या फिर हार मान लेना. तो जो लोग थे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर किए कि वो जो तरुण है, तरुण ने कभी भी अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है और अपनी वीरता है, उसको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और इसी वजह से लोगों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर किए. नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण्स फादर आफ्टर द रेस? व्हाट मीन्स क्या, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, तरुण्स फादर मीन्स तरुण के पिताजी, आफ्टर द रेस मीन्स रेस के बाद यानी दौड़ के बाद, दौड़ के बाद तरुण के फादर की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? सो आंसर, तरुण्स डिटर्मिनेशन मेड हिज मदर हैप्पी. जो तरुण का जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसने उनकी माँ को खुश किया. तरुण ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. ब्लैक शीप मीन्स होता है यूजलेस व्यक्ति. तो जो तरुण है वो अपने आप को हमेशा अपने परिवार का ब्लैक शीप समझता था, यूजलेस यानी काम का नहीं, ऐसा वो समझता था. तरुण फादर वुड हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हिज सन. तरुण की जो पिताजी है वो अपने सन पे, अपने बेटे तरुण पे गर्व महसूस किए होंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे वोकैबुलरी. सो फर्स्ट है, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फेस इन बोल्ड, रीड द पैसेज अगेन एंड यूज द डिक्शनरी इफ नेसेसरी. सो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं इस तरह से, जैसे ब्लैक शीप. सो यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये जो 4 ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में
इसका मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट है, ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ हीज फैमिली. वो हमेशा अपने आप को ब्लैक शीप समझता था, मीन्स यूजलेस व्यक्ति समझता था अपने फैमिली का. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है, अ पर्सन हु इज एज मीक एज अ शीप, अ पर्सन हु इज अनेबल टू एडजस्ट, अ शीप विच इज ब्लैक इन कलर, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली. सो ब्लैक जो शीप है, ब्लैक शीप है, इसका मीनिंग ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. लाइफ जो है वो फुल है, भरा हुआ है किससे? अप्स एंड डाउन से. तो अप्स एंड डाउन का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट है गिव एंड टेक, नेक्स्ट है सक्सेस एंड फेलर, मूविंग अप एंड डाउन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. सो यहाँ पे आ जाएगा अप्स एंड डाउन का मीनिंग सक्सेस एंड फेलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द बेस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? विश यू गुड लक, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, या फिर ऑल इज वेल विथ यू. सो इसमें आ जाएगा ऑल द बेस्ट का हो जाएगा विश यू गुड लक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप. रे ऑफ होप का मीनिंग क्या होगा? न्यू पॉसिबिलिटी, या फिर टर्निंग पॉइंट, या फिर एस्पिरेशन, या फिर एक्सपेक्टेशंस. सो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला, न्यू पॉसिबिलिटी. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच डिस्क्राइब्स तरुण एक्सप्रेस बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग अटरेंसेज एंड राइट स्पेस प्रोवाइडेड. यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर हेल्प. यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और उन कथन में तरुण की कौन से भाव आ रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन हैं, वो हमें यहाँ से लिखने हैं. जील, डिटर्मिनेशन, जॉय, शेम एंड फ्रस्ट्रेशन. सो फर्स्ट है, आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स. मैं दो सब्जेक्ट में फेल हो गया. सो यहाँ पे कौन सी भाव आ रही है? यहाँ पे भाव आ रही है सेम की. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम. नेक्स्ट है, तरुण प्रैक्टिस्ड वेगोरसली फॉर 5 days. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तरुण है वो 5 दिनों तक जोर शोर से अभ्यास किया है. सो यहाँ पे कौन सी भावना आ रही है? यहाँ पे भावना आ रही है जिल, मीन्स उत्साह की, कि वो उत्साह से प्रैक्टिस किया. नेक्स्ट है, ही कुडंट बिलीव हिज आइज, टीयर्स फिल्ड हिज आइज. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर सका और जो आंसू है वो आँखों में भरी हुई थी. सो यहाँ पे कौन सी भावना आ रही है? यहाँ पे भावना आ रही है जॉय की. सो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉय. नेक्स्ट है, तरुण गॉट अप एंड रैन विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड. तरुण जो है वो उठा और दौड़ा विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड, पूरी साहस के साथ, पूरी ताकत के साथ वो फिर से दौड़ा. सो यहाँ पे कौन सी भावना आ रही है? यहाँ पे बात आ रही है डिटर्मिनेशन की. यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेशन. मीन्स दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा. नेक्स्ट है, वी वॉन्टेड टू इरेज द डे फ्रॉम हिज लाइफ. यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम क्या करना चाहते थे? वी वॉन्टेड टू इरेज द डे फ्रॉम हिज लाइफ. हम उनकी लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से जो दिन है, वो दिन है उसको हम मिटाना चाहते थे. तो यहाँ पे आ जाएगी बात फ्रस्ट्रेशन की, मीन्स निराशा वाली बात. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रस्ट्रेशन. सो इस तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, नाउ यूज दिस वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे भी हमें उन्हीं वर्ड्स का यूज करना है जिन्हें हमने यूज किए हैं. सो नेक्स्ट फर्स्ट है, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पहली बार किसी इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं. तब आपके अंदर कौन सी भावना होगी? तब आपके अंदर भावना होगी उत्साह की, मीन्स जेल. यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड बट योर वॉलेट इज एम्प्टी. आप अपनी दोस्त की मदद करना चाहते हैं बट आपकी जो वॉलेट है वो खाली है. तब की कंडीशन में आपको कैसा फील होगा? सेम.
नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू डांस आफ्टर हेयरिंग योर रिजल्ट. आप अपना रिजल्ट अपना परिणाम सुनने के बाद चाहते हैं कि आप डांस करें. इट मीन्स जॉय. नेक्स्ट है यू आर अपीयरिंग फॉर द NTSC फॉर द थर्ड टाइम. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप तीसरी बार NTSC के लिए अपीयर होने वाले हैं तीसरी बार. इट मीन्स यहाँ पे बात आ रही है डिटर्मिनेशन की. सो इस तरह से हो गया डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रतिज्ञा. यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबॉडी आफ्टर द कॉम्पिटिशन. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिशन के बाद आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं. इट मीन्स यहाँ पे बात आ रही है फ्रस्ट्रेशन की. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रस्ट्रेशन. सो इस तरह से हमने जेल सेम जॉय डिटर्मिनेशन एंड फ्रस्ट्रेशन का यूज़ करके ब्लैंक को फिल किया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.